इंटरनेट पर वायरल ये वीडियो तो आपने देखी होगी, जिसमें ओला स्कूटर जो धू धू करके आपको जलती हुई दिखाई दे रही है। अब जाहिर सी बात है, ऐसी वीडियो सामने आती है तो दूसरी कंपनीज जो है मज़े तो लेगी और अपने अपने कमेंट, अपने अपने ट्वीट तो सामने रखेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले और सबसे मेन कंपनी सामने आती है, वो है सिंपल वन। क्योंकि नेक्स्ट आने वाला अगर कोई स्कूटर है तो वो सिंपल वन ही है, जिससे लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, चाहे वो स्पीड को लेकर हो या फिर रेंज को लेकर हो। क्योंकि इसमें 3 बैटरी का कॉम्बिनेशन भी आपको देखने को मिलने वाला है। कई लोग यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि अगर ऐसा सिंपल वन में होता वो चलेगी नहीं, वो धमाके से फटेगी। तो सुहास राजकुमार जी ने कुछ ये ट्वीट किया था, आप यहाँ पर देख सकते हो, #safetyfirst। खैर ये बात बिल्कुल सही है, सेफ्टी फर्स्ट है। और जहाँ तक बात करें ओला की, ओला ने भी अपने तुरंत ही उस पर रिस्पॉन्ड किया कि इसकी जाँच की जाएगी और जो और एक्चुअल रीजन क्या है आग लगने का वो आपके सामने पेश किया जाएगा जल्द ही। बट यहाँ पर लोगों ने कुछ बेतुके और जो है बिना हाथ पैर वाली बात करने भी शुरू कर दिया कि जैसे कि अपने ईवी स्कूटर को धूप में ना खड़ा करें, कंपनी को चाहिए कि उसकी बैटरी को ब्लैक की बजाय वाइट करें, कुछ ऐसे ऐसे बिना सेंस वाली बातें करने शुरू कर दिया। भाई आप 1.5 लाख रुपये लगा रहे हो स्कूटर पर और आप उसको खड़ा करने से पहले ये सोचेंगे कि उसे धूप में खड़ा करें या ना करें। रही बात बैटरी की, तो वो कंपनी डिसाइड करेगी कि अब क्या करना चाहिए। कि खैर ये बात बिल्कुल सही है कि ब्लैक कलर हीट थोड़ा ज़्यादा जनरेट करता है, तो फाइनल डिसीजन कंपनी पर डिपेंड है कि वो क्या एक्शन लेती है इस इंसिडेंट के बाद। और यहाँ पर सिंपल वन से भी लोग ट्वीट पर कह रहे हैं कि आपके स्कूटर आने में काफ़ी टाइम लग रहा है, एंड वी होप कि आपके स्कूटर में हमें ऐसा कुछ देखने को ना मिले, एंड आई होप ऑल्सो कि ऐसा देखने को ना मिले, बिकॉज कंज्यूमर सेफ्टी इज फर्स्ट। अभी रिसेंटली टाइम्स ऑफ इंडिया को सुहास राजकुमार जी ने एक इंटरव्यू दिया था, जहां पर उसने कहा था कि जो ये आग लगने वाली बात है, ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पॉइंट है कि इससे ईवी कंपनीज को वो सीखने को मिलेगा कि कैसे इस चीज़ को अवॉइड किया जाए। यानी कि अगर आप एक पावरफुल मोटर बनाते हो, मोटर जितनी पावरफुल होगी उतनी ज़्यादा हीट कंज्यूम होगी, बैटरी पर लोड उतना ज़्यादा बढ़ेगा, तो इस चीज़ को कैसे एनहेंस किया जाए, तो यहाँ पर कंपनीज को कुछ सीखने को मिलेगा। तो दैट्स वाई उन्होंने ये बात कही थी कि फ्यूचर में मैन्युफैक्चरर्स को और ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है, इस चीज़ से उन्हें कुछ सीख लेनी चाहिए। इसके पीछे एक्चुअल रीज़न क्या था कि अभी तक ओला ने इसका स्टेटमेंट नहीं दिया, जल्द ही इसकी स्टेटमेंट सामने आएगी तो वहाँ पर पता लगेगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो कहीं ना कहीं जो हो सकता है कि ये ओवरलोड की वजह से हुआ, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी पर ज़्यादा लोड पड़ता है, तो बेसिकली कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ बनती है ज़्यादा लोड के कारण। बट हाल फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, एक बार जो है कमेंट ज़रूर कीजिए।